माफी मांग, सांसद बोले मेरी गलतियों की सजा योगी मोदी को ना दें। चित्रकूट जनपद में बांदा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आर पटेल आज अपना नामांकन करने के लिए बांदा जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफी मांगते हुए उनसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हों उसके लिए मुझे माफ कर दें और मेरी गलतियों की सजा योगी मोदी को ना दें। आपको बता दें कि बांदा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद आर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया में लगातार विरोध की खबरें देखने को मिल रही थीं। खासतौर से ब्राह्मण वर्ग के नाराज होने की बातें सामने आ रही थीं, जो कि ब्राह्मण समाज बीजेपी का कोर वोटर है, जिससे उनकी नाराजगी भाजपा प्रत्याशी को महंगी पड़ सकती थी। जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी आर सिंह पटेल लोगों के बीच जाकर जाने अनजाने में हुई गलती को माफ करने की अपील कर रहे हैं। जिसके बाद आज भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह पटेल ने मीडिया से बात करते हुए सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने माफी मांगी है और लोगों से अपील की है कि मेरी गलतियों को सजा मोदी योगी को ना दें। अगर मेरी किसी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मुझे माफ कर दें। बैठक मेरी थी और आगे भी रहेगी, उन सभी देवतुल कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता रहा हूँ, प्रणाम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ स्तरीय कार्यकर्ता को कल हमारा बांदा विधानसभा का सम्मेलन था, मैंने प्रणाम किया है और पुनः कह रहा हूँ पूरे लोकसभा के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं को आर के पटेल से कहीं ऐसी गलती नहीं हुई है और अगर जानते हुए अनजाने में भी कहीं मुझसे अगर कोई भूल हो, मैं भी इंसान हूँ, कहीं भूल हुई है तो उसके लिए भी मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। इस भूल की सजा मोदी जी को अगर मेरी मुझसे कहीं हुई है तो उसकी सजा मोदी जी को मत देगा कोई कार्यकर्ता, अगर दिल में कोई बात है उसको निकाल करके और चुनाव के महासमर के दब जाए। ये मैं अभी आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ और कल मैं भी आपका लगातार कह रहा हूँ। मैंने 20 साल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के 7 साल या 8 साल के कार्यकाल में मैंने आपके साथ जो भी मोदी जी की योजनाएं योगी जी की योजनाएं हैं उनको लाकर के जमीन पर काम किया हूँ। अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो अनजाने में, जाने में तो मुझे नहीं लगता, इंसान हूँ मैं, आदमी को अपनी कमियाँ कहीं नजर नहीं आती है। अगर कमियाँ खोजा जाए तो अपने आत्मा में हम अपनी कमी खोज लेंगे तो नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिल जाएगी कमियाँ। तो ऐसी कमियाँ अगर कोई रह गई हो तो उनके लिए भी मैंने कहा है कि मैं आम आवाम से भी, जनमानस से भी और अपने देवतुल कार्यकर्ताओं से भी उसके लिए मैं सारी करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और सब लोग करके उसकी सजा मतदान के दिन मत देंगे। ये मैं खुले मंच से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, मैं जाने में नहीं हुआ कोई भूल, अनजाने में कहीं हुई है फिर दोहरा रहा हूँ। उसके लिए भी मैं आम जनमानस से भी कह रहा हूँ यार के पटेल आपका साथी है, आपका भाई है, आपका बेटा है और कहीं अगर कोई फोन में भी किसी के साथ कोई बात विवाद में कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई मान रहा हो यार के पटेल के शब्द मेरे लिए कोई कड़े निकल गए हो तो ऐसे साथियों से भी मैं उसके लिए मैंने याचना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो ये इंसान हूँ मैं और इंसानियत के नाते मेरा धर्म बनता है, मैं बहुत बड़ा राजा और बहुत बड़ा वो नहीं हूँ यहाँ का क्या कहते हैं सहंसा, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान के नाते इसी मिट्टी पे मुझे फिर रहना है, इसी मिट्टी में दफन होना है। इसलिए मैं पुनः फिर दोहरा रहा हूँ, अगर कुछ मुझसे अनजाने में भी कोई गलती हुई है तो मुझे लोग क्षमा करेंगे और मेरे लिए वो लग करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से मोदी जी को प्रचंड बहुमत से पिछली बार 4,77,000 वोट पिछली बार मिला था और 4,77,000 का आंकड़ा पार करने जा रही भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा आपसे आग्रह है, वो इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी कहीं पर कोई, मैं बसपा में भी रहा हूँ, मैं सपा में भी रहा हूँ और वो तमाम दलों के लोग आज साथ में आकर के खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है मंचों में भी उन पार्टियों के लोगों को, मैंने गली लोगों को कोई बातें ऐसी हुई हो तो उनसे भी मैं कह रहा हूँ, उन सारे बातों को राजनीतिक मुद्दों पर ना आकर के सारे लोग आकर के मुझे समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।